नमस्कार, मैं हूं अवनी चौधरी और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, चंडीगढ़ में नगर निगम चुनावों का दौर शुरू हो चुका है। तो वहीं जहां पर चंडीगढ़ में 26 वार्ड आया करते थे, इस बार वार्डों की संख्या बढ़ाकर 35 कर दी गई है। इसी के साथ आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 12 में, जिसके अंतर्गत आते हैं वार्ड नंबर 15, 16, 17 और 24। और इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 15 की मार्केट में। आज हम आपको मिलवाएंगे इस मार्केट के प्रधान जी से, उनका क्या कुछ कहना है और आप क्या किस पार्टी का ज्यादा दबदबा लग रहा है इस बार, जनता की क्या राय है इसके ऊपर, आज हम आपको दिखाएंगे। सर, आपका नाम? केसी तनेजा। तनेजा जी, आपको क्या लग रहा है कि इस बार किस पार्टी का ज्यादा दबदबा रहेगा? अभी तो कुछ भी नहीं लग रहा, हर पार्टी जो है वो अपना एडवर्टाइजमेंट करी कॉन्टेक्ट कर रहे हैं पब्लिक वोटर्स को, और जंगल राज है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं, जो खड़े हुए हैं इलेक्शन के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर देखा जाए तो पिछले बार नगर निगम के इलेक्शंस में चंडीगढ़ में बीजेपी, कांग्रेस, अकाली तो पहले से ही थी, लेकिन इस बार आप पार्टी भी आई है, और जिनका कहना है कि वो वादे नहीं, वो तो अपना एक पूर्ण तरीके से ठोस वादा कर रही है कि हम जनता के कार्य कराएंगे ही कराएंगे। क्या आप उनके वादों से सहमत हैं? वो कुछ भी नहीं कराएंगे, ये गंदगी और फैलेगी। और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वो भी उनके साथ मिल जाती है, तो ये क्या करेंगे, काउंसलर क्या करेगा? जो आपके पूर्व काउंसलर है, उनके जो कामों से आप सहमत हैं? जो हमारे काउंसलर पहले थे, कुछ कहने के मुताबिक हम जब रिपोर्ट करते थे उनको किसी काम के लिए, ऑफिशियल काम के लिए, तो काम हो जाते थे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। जैसे आज कंप्लेंट की, कोई हफ्ते में हो गया, कोई 15 दिन में हो गया, इमीडिएट एक्शन जो था वो बहुत कम था। तो इस बार आपको किस पार्टी से उम्मीद है कि वो आपके कार्य पूर्ण रूप से कराएगी? उम्मीद तो है कि भारतीय जनता पार्टी शायद कुछ काम करवा सके जी। बाकी तो कोई कांग्रेस का भी कोई ऐसा विचार नहीं है कि कांग्रेस भी बहुत मेजोरिटी में अब आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन अगर बीजेपी आ जाती है तो वो कुछ काम करवा देगी। जैसा कि आपने सुना ही होगा, अगर जनता को थोड़ा बहुत विश्वास है तो वो भारतीय जनता पार्टी पर है। उनका कहना है कि हो सकता है वो ही हमारे कार्य करा दे। इनका कहना है कि जो पूर्व काउंसलर थे वो कार्य तो कराते थे, लेकिन इमीडिएटली एक्शन उस पर नहीं लिया जाता था। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, आज हम जनता की राय जानने के लिए आए हैं कि उनका क्या कुछ कहना है और वो किस नज़रिए से इन चुनाव को देखते हैं, और कौन सी पार्टी अच्छा कार्य कराएगी, किस पार्टी से उनको उम्मीद है, और क्या पूर्व जो यहाँ के काउंसलर रहे हैं उनके कामों से संतुष्ट हैं क्या नहीं, आज इन सारे सवालों के जवाब हम आपको यहाँ पे दिखवाएंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम मनोज बंसल है जी। आप सेक्टर 15 से? मैं सेक्टर 15 से मार्केट से। मनोज जी, आपको क्या लगता है कि इस बार आप पार्टी भी मैदान में पहली बार आई है, और बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही है, किस पार्टी का आपको इस बार ज्यादा दबदबा लग रहा है? ओवरऑल तो इस बार स्थिति क्रिटिकल है जी, आपका तो हमें नहीं पता क्या रुक जाएगा, लेकिन जो कांटे की टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही रहेगी। तो आपको क्या लगता है, जो आपके पूर्व काउंसलर रहे हैं इस सेक्टर से 15 से, क्या उनके काम से आप संतुष्ट हैं? अगर मैं अपने 15 सेक्टर की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई बहुत अच्छे काम किए हैं। हम उनसे किस पार्टी से उम्मीद है कि आपके वो कार्य अच्छे तरीके से कराएगी, पूर्ण रूप से कराएगी? नहीं, अगर तो काम की बात करें, काम तो सभी पार्टियां करवा ही रही हैं, लेकिन एज पर हमारी जो ज़रूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग कई नई काम हुए। जैसे मार्केट में इस टाइम जब से कॉरपोरेशन ने सफाई का काम अपने हाथ में लिया है, हमारे सेक्टर में सफाई की व्यवस्था चरमरा के रहेगी, बहुत बुरी हालत में चल रही है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, कॉरपोरेशन ऑफिस में फ़ोन करो वो कहते हैं जी बंदे नहीं है। पहले हमारी मार्केट में संडे को डेली झाड़ू लगती थी रूटीन में, हर संडे को, लेकिन पिछले कुछ टाइम से अब नहीं लग रही, उनको इन्फॉर्म करो तो वो लगा देते हैं। सफाई की जगह जगह ढेर, सफाई नहीं हो पाती रेगुलर। जब मेरे को तो ऐसा लगता है भी कॉरपोरेशन ने जब अपने गले में वो फंदा डाल लिया है सफाई कॉरपोरेशन अपने हाथ में लेके, पहले जो प्राइवेट कर रहे थे वो ज़्यादा बेटर कर रहे थे। तो आपने जब उनसे कंसल्ट किया, आपने बोला कि यहाँ पे सफाई नहीं हो रही है, कार्य नहीं सही से किए जा रहे हैं, तो उसके बाद उनका क्या कहना था?
नहीं, हमारे यहाँ सेक्टर में बीजेपी से मिस्टर प्रीतम जी हैं, हम जब भी उन्हें अपनी कोई प्रॉब्लम बताते हैं तो तुरंत सॉल्व तो करवा देते हैं, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते मैं समझता हूँ भी सफाई विभाग की जो अपनी जिम्मेवारी है उन्हें अपने लेवल पे पूरी करनी चाहिए। वो तो उनका डेली वर्क है ना, वो हमें किसी को कह के क्यों पूरा करवाना पड़ रहा है, समस्या ये है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि जब हम काउंसलर, पूर्व काउंसलर को बोलते हैं कामों के लिए, काम हो तो जाते हैं लेकिन इमीडिएटली रिजल्ट नहीं मिलता, उनको लगभग 15-20 दिन लग ही जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? आप जैसे मैं अगर अपने 15C की मार्केट की बात करूँ, यहाँ पिछले 2 साल से पार्किंग के अंदर लाइनें लगाने के लिए हम कह रहे हैं भाई मार्किंग कर दो ताकि पार्किंग ठीक हो जाए, गाड़ियाँ ठीक से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हर बार इंश्योरेंस ही मिलती है जी जल्दी करवा देंगे, लेकिन हुआ कभी कुछ नहीं। एक बार शुरू में जब लाइनें लगी थी उस टाइम की आज तक लगी हुई हैं, ना तो किसी ने गौर करा। हमने कई बार उनको, मार्केट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते मैंने उनको कई बार रिक्वेस्ट की है भी आप एक बार जब भी कोई ऑफिसर भेजो तो कम से कम मार्केट से राय तो लो भी, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, हमें पता है जो उन्होंने लाइनिंग लगाई है उसके बाद दिक्कत कहाँ आ रही है। तो लेकिन ना तो किसी ने लाइनिंग लगाने आया, ना कोई राय लेते, कोई अपनी मर्जी से जो 2-4 लाइनें लगानी है लगा दी थी एक बार। इसके बाद हमने कई बार रिक्वेस्ट डाली भी हमारी मार्केट में रिक्वायरमेंट है पार्किंग की लाइनिंग दोबारा लाई जाए, और एक बार मार्केट एसोसिएशन से इस बारे में पूछा जाए भी आप कैसे चाह रहे हो, फिर उसके बाद जैसे उन्हें ठीक लगे वो वैसे करें, लेकिन राय तो लें। यानी एक तरीके से कहा जाए तो जो पूर्व काउंसलर है उनके आप कार्य से संतुष्ट नहीं है ना? उनकी बात करें उनसे तो हम संतुष्ट नहीं है जी। तो इस बार क्या लगता है कि सेक्टर 15 से कांग्रेस का ज्यादा रुझान रहेगा? नहीं, इस बार देखो जी स्थिति क्रिटिकल है दोनों के लिए, पलड़ा बराबर का है इस बार। अब तो जिसके इंश्योरेंस अच्छे होंगे वही काम कर आगे जीत पाएगा, हम श्योर नहीं कह सकते भी कौन जीतेगा, बीजेपी या जीते या कांग्रेस जीते। हमें तो वो सदस्य, क्योंकि नगर निगम के जो इलेक्शन है वो नेशनल से मायने नहीं रखते, लेकिन हमें तो वो लोग चाहिए चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो, हमें तो ऐसा नुमाइंदा अपने सेक्टर के लिए चाहिए जो हमारे सेक्टर की बेहतरी के लिए काम कर सके। आप इस टाइम देखो हमारी मार्केट में हालत क्या है कि एनक्रोचमेंट हुई हुई है, देखो आप पीछे नज़र घुमा के देखो, इनलीगल एनक्रोचमेंट दुनिया जहान की है, किसी को भी मिलो कोई सफाई का ध्यान नहीं देता, सबने अपनी अपनी सेटिंगें कर रखी हैं। अब मैं किसी का नाम नहीं ले सकता भी किसने क्या सेटिंग की हुई है, अब पीछे गाड़ी आती है ना तो सामान उठाते हैं ना कुछ करते हैं, बस तंग ही तंग कर रहे हैं, बस एनक्रोचमेंट बढ़ती जा रही है, गंद बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं सेक्टर 24 में जहाँ पर हम लोगों की राय लेंगे, उनका क्या कुछ कहना है और उनको क्या किन पार्टी से ज्यादा उम्मीद है या फिर पूर्व काउंसलर से वो खुश हैं, उनके कार्यशैली से खुश हैं या नहीं, चलिए बात करते हैं। सर आपका नेम? मेरा नाम है रोहित शर्मा। रोहित जी आप बताइए कि क्या आपके जो यहाँ से पूर्व काउंसलर रहे हैं आप उनके कामों से सहमत हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि किरण खेर मैम ने मैक्सिमम 2010 में अनाउंसमेंट की थी कि जो ऑफिसर एम्प्लॉयज है उनको मतलब मैं पक्का रेगुलर करवाऊंगी, ठीक है, उसके बाद उनका कोई वो नहीं आई, हम उनसे 2-3 बार मिलने भी गए उनका कोई रिएक्शन नहीं आया, और कोविड के लिए तो उनके तो दर्शन तक नहीं हुए यहाँ पर बिल्कुल भी, क्योंकि बाकी जो आम जनता है वो एक दूसरे की मदद करती रही, पर बीजेपी वाले कांग्रेस वाले ये तो जो यहाँ के काउंसलर है उन्होंने कोविड में कोई आपकी सहायता नहीं की, कोई मदद नहीं की यहाँ पर बिल्कुल भी। तो इस बार आपको क्या लगता है कि किस पार्टी का ज्यादा दबदबा है? आम आदमी पार्टी का। हाँ जी आम आदमी पार्टी। तो आपको पूर्ण रूप से विश्वास है कि वो आपके कार्य करेंगे? 100% जी। सर आपका नाम? मेरा नाम श्री विनोद कुमार है, मैं सेक्टर 24 में चाय की दुकान लगाता हूँ, और मैं इस मतलब अपने 24 सेक्टर काउंसिल से बिल्कुल नहीं खुश हूँ, क्योंकि यहाँ एक टॉयलेट बनाना था, बहुत टाइम लगा दिया उन्होंने, टॉयलेट बना दिया, आप देख लो यहाँ फोटो खींच लो चाहे, टॉयलेट तो बन रहा है लेकिन 6 महीना हो गया जो मिट्टी खुदाई की वैसे कोसे पड़ी है, इसको बिल्कुल भी नहीं हटाया। उनसे शिकायत नहीं की? कई बार उन्होंने प्रधान जी से मिलकर हमने फ़ोन भी किया चकाने के लिए, आते हैं देख के फिर चले जाते हैं, तो इस बारी तो हमने पार्टी अपनी चेंज करनी है, आम पार्टी के तरफ वोट देना है, और जो कोई भी आता है उनको लोगों से भी कहते हैं कि भाई आम पार्टी को वोट दो। आम पार्टी ने कहा है कि हम वादा नहीं गारंटी के साथ आपका लोगों का कार्य कराएंगे, तो आप इस मुद्दे से सहमत हैं? जी हाँ जी हाँ, अब की आम पार्टी को ही देखना है हम लोगों ने। एक्चुअली जो केजरीवाल जी वो पढ़े लिखे भी है, उन्होंने अपनी इतनी बड़ी सरकारी जॉब को छोड़ के एक आम आदमी पार्टी को झाड़ू लगाने शुरू कर दिया, सोचो ठीक है, उन्होंने जो दिल्ली में जो काम किया उन्होंने, अगर वो यहाँ पर उनकी अगर आ गई मतलब सरकार आ गई तो नेचुरली है कि वो यहाँ भी अच्छे ही काम करेंगे, ये उसकी गारंटी है हमें। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 12 के सेक्टर 16 में, यहाँ पर लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या वो अपने पूर्व काउंसलर से सहमत है, उनके कार्यों से संतुष्ट हैं या नहीं। सर आपका नाम? हमारा नाम पत्रु है, पत्रु मिश्री। पत्रु जी आप जो पूर्व यहाँ से काउंसलर रहे हैं उनके कार्यशैली से आप संतुष्ट हैं? नहीं जी नहीं।
उन्होंने आपके क्या क्या कार्य कराए हैं इस बोर्ड के अंदर? काम कराए, कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है, कोई काम नहीं हुआ, क्या काम हुआ है? तो आपको किस पार्टी से उम्मीद है कि आपके कार्य को वो पूर्ण रूप से करेगी? उम्मीद है केजरीवाल आएंगे तो हो सकता है कोई करा, सारे पार्टियों को तो देख लिया गया है। हाँ, केजरीवाल को अब देखने का इरादा है। जो केजरीवाल ने कहा है कि हम वादा नहीं, हम गारंटी देते हैं, गारंटी के साथ वो कार्य कराएंगे, तो आप उन पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, विश्वास है, जनता के विश्वास है जी। हाँ, इन लोगों का तो देख लिए हैं लोग, लेकिन अब जनता के विश्वास है। आपको केजरीवाल से क्या क्या उम्मीदें हैं कि किस तरीके के वो कार्य कराएगी? अब देखिए, उम्मीदें तो है बहुत से, लेकिन देखिए क्या करते हैं, लेकिन करेंगे कुछ तो, करवे करेंगे। नई पार्टी आएगी तो करेगी कुछ, नई पार्टी जब आएगी तो कुछ में कुछ करेगी, वो तरीके तो करेगी जी। तो यानी जो आपके पूर्व काउंसलर रहे हैं, आप उनके कार्यशैली से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है? नहीं नहीं, जनता नहीं है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कुछ भी कार्य नहीं कराया? कोई कार्य नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो आपकी जो समस्या है वो बेसिकली यहाँ की क्या समस्या है? समस्या है तो दुनिया की समस्या है, पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। तेल की महंगाई देखिए, सिलेंडर हो गया जो है 1000 रुपये के लगभग, देहातों में देखिए सिलेंडर रख करके लोग लकड़ पर खाना बनाते हैं। लगभग सारे सेक्टरों में हम घूम ही चुके हैं, वो नंबर 12 के अंतर्गत। एक बार आपको फिर से बता देते हैं, सेक्टर 15, सेक्टर 16, सेक्टर 17 और सेक्टर 24 आते हैं। तो वहीं सेक्टर 15 में ज्यादातर हमें बीजेपी के समर्थक दिखाई दिए, लेकिन उनका कहना है कि जो वहाँ के पूर्व काउंसलर रहे हैं उन्होंने कार्य तो कराया, लेकिन एकदम से वहाँ पे कार्य नहीं कराए जाते थे, काफी टाइम लग जाता था। तो वहीं उनका ये भी कहना है साथ ही साथ कि इतने ज्यादा उम्मीदवार, इस बार आजाद पार्टी के उम्मीदवार, अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार खड़े हो गए हैं कि एक तरीके से खिचड़ी पक गई है। तो वहीं अगर बात करें सेक्टर 24 की, तो वहां पर हमें आप पार्टी के ज्यादा समर्थक दिखाई दिए। उनका कहना है कि नई पार्टी है, जिस तरीके से दिल्ली में कार्य कराए थे उसी तरीके से चंडीगढ़ में भी कराएगी। तो वहीं अगर बात की जाए सेक्टर 16 की, तो जो यहाँ पर लोकल कार्यकर्ताएं हैं, आम जनता है, उनका कहना है कि हमें पूर्ण रूप से आम आदमी पार्टी पर विश्वास है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल ने काम कराए हैं उस तरीके से चंडीगढ़ में भी कार्य कराएगी। और ये लोग, इन लोगों का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस पर तो ये पहले से ही विश्वास करके देख चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्य नहीं कराया है। तो लगभग हमने सारे सेक्टर ही कवर कर लिए हैं वार्ड नंबर 12 में, लेकिन अगर इसके तथ्य की बात की जाए, इसकी निचोड़ की बात की जाए, तो हम पूर्ण रूप से किसी एक पार्टी को नहीं कह सकते कि किसका दबदबा यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के अलग अलग सेक्टर वाइज यहाँ पे समर्थक दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए अर्थप्रकाश टीवी पर। मैं अवनी चौधरी, अर्थप्रकाश टीवी से। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।